दोस्तों, अगर आपको भी जियो एयर फाइबर से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जियो एयर फाइबर के नए कस्टमर केयर के नंबर कौन कौन से दिए गए। इसके अलावा दोस्तों, मान के चलिए आपको अपने जियो एयर फाइबर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, चाहे सेट टॉप बॉक्स से रिलेटेड हो या वाईफाई राउटर से रिलेटेड हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आसानी से आप जियो एयर फाइबर के कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करवा सकते हो। तो दोस्तों, कौन कौन से नंबर जारी किए गए इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, अभी तक हमारे चैनल पर आपने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जियो एयर फाइबर के जितने भी पुराने नंबर थे कस्टमर केयर के, वो अब चेंज कर दिए गए, उनकी जगह आपको नए जियो एयर फाइबर के कस्टमर केयर के नंबर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसका लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने यहां पर जियो एयर फाइबर का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो यहां पर आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। यहां पर इनका जो नंबर जारी किए गए, जैसा कि आप देख सकते हैं, 1800896999 पर कॉल कर सकते हैं। इनकी जीमेल आईडी भी दी गई है, jiofiberecare@jio.com पर भी आप मेल कर सकते हैं, दोनों से आप आसानी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं, 1800896999 पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों। या इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जियो एयर फाइबर से संबंधित, तो इनका जो दूसरा ऑफिशियली कस्टमर केयर का नंबर जारी किया गया 7000575 पर कॉल कर सकते हैं। ये भी ऑफिशियली जियो एयर फाइबर का कस्टमर केयर का नंबर जारी किया गया है, दोनों नंबर पर से आप कॉल कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आसानी से सॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मान के चलिए आपको जियो फाइबर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या एयर फाइबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो दोनों के ऑफिशियली कस्टमर केयर के नंबर मैंने आपको बता दिए, सेम नंबर पर आपको कॉल करना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे आसानी से सॉल्व करवा सकते हैं। फिर भी दोस्तों, अगर आपको परेशानी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, या इनके कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, वहां से भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।